अस्सलाम वालेकुम। स्क्रैप बुकिंग की पहली क्लास में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे स्क्रैप बुकिंग का मटेरियल और स्क्रैप बुक कैसी होती है, किसको कहते हैं और उसमें वो क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। सबसे पहले ये मेरे पास एक पुरानी स्क्रैप बुक है जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए 2019 में बनाई थी और इसको कहते हैं हिंज बाइंडिंग। ठीक है, ये बुक की तरह बनी हुई है, हिंज बाइंडिंग है। अंदर से मैं भी आपको बाद में दिखाती हूँ। ये ऐसे इसका हिंज बना हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट हिंज में है और ये इसके पेजेस 7 लगे हुए हैं। एक होती है हिंज बाइंडिंग और एक होती है रिंग बाइंडिंग। रिंग बाइंडिंग में नॉर्मल सीधा ही एक डिफरेंट पेपर्स होते हैं, ठीक है, और मतलब पेजेस होते हैं, 5-8-7 पाइल्स होते हैं। हम उसको करते हैं सर्कल पंच से और उसके बाद लगा देते हैं रिंग्स। रिंग्स में हमारे पास बहुत सारे साइजेस होते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये थी तो मैं आपको दिखा दूँ। ये इस तरह खुलते हैं और ये बीच में लग जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर उनके पास इजी होता है, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल और महंगा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी वो लोग ये वाली बाइंडिंग भी करवा लेते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में ज़्यादा देर टिकती नहीं है और महंगी भी है, तो इसलिए जो मैंने आपको दो प्रोसेस पहले बताए हैं, रिंग और हिंज। हिंज सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, रिंग भी जो है वो थोड़ी ढीली होती है। इस रिंग्स की जगह हम लोग इसमें पंच करके वो लगा देते हैं, थ्रेड लगा देते हैं या रिबन लगा देते हैं। ओके, दो आपको मैंने बताई। अब इसके बाद मटेरियल पे आ जाते हैं। मटेरियल से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि कार्ड स्टॉक जो हम यूज़ करते हैं वो उसमें फ़र्क, ठीक है। ये इस वक्त ये वाला मेरे पास चार्ट पेपर है जिसको कहते हैं स्टेशनरी शॉप से 20-30 रुपए का मिल जाता है, ठीक है, हार्ड चार्ट कहते हैं। और ये मेरे पास ओरिजिनल कार्ड स्टॉक है। अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं, मैं सिर्फ लाहौर का जानती हूँ, उर्दू बाज़ार में अच्छे मिल जाते हैं, गुजरांवाला या आगे पीछे कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कराची में भी मे भी मिलता हो, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि कार्ड स्टॉक कैसे होता है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये है 20-30 रुपये वाला। इसको जब हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पूरी स्क्रैप बुक में कहीं ना कहीं फोल्डिंग चाहिए होगी कहीं पे कुछ, तो हमें ये आप देखें सफ़ेद निशान, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको टिप दूंगी कि परफेक्शन और प्रोफेशनलिज्म अपने वर्क में लेके आएं, तभी आपकी बहुत अच्छी काम। ये देखें, क्रिस्प भी नहीं हुआ। ये वाला इस कार्ड स्टॉक को लेते हैं, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। हम इसको सर्कल करेंगे और उसी तरह इसको कुछ भी नहीं हुआ। और इसका क्रिस्प भी चेक करें कितना अच्छा है। इसको दोनों तरफ से ही आप करें और ये टिका हुआ क्रिस्प, इसका बेंड होना और इससे बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर आपका लो बजट है, आपका जो कस्टमर है वो कह रहा है उसको कोई मसला नहीं है हल्के कार्ड स्टॉक से और उसको कोई मसला नहीं है, और आपके पास बजट भी लो है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कवर कैसे करेंगे, ये आप देखें। ये आपको नज़र आ रही है स्क्रैप बुक, इसमें जो पेपर नज़र आ रहा है ये वाला, ये तो मैंने आपको बता दिया। वाइट आप यूज़ करें, ब्लैक यूज़ करें, रेड यूज़ करें, जो कुछ भी है, ज़्यादा वाइट एंड ब्लैक यूज़ करते हैं। उसके बाद मतलब कस्टमर से आपने पहले पूछना है कि आपने कौन सा कलर, अगर उसने कहा है कि लव थीम है तो ऑब्वियसली रेड चलेगा, और अगर आप उससे पूछें कि रेड ब्लैक चलेगा, दो कलर्स आप मेन लें और तीसरा आप सिल्वर या गोल्डन लें, ठीक है, ये तीन कलर्स आप रखें। फर्ज करें मस्टर्ड और ब्लू उसने बोला है, तो साथ आपने पूछना है गोल्ड या सिल्वर, क्योंकि उसको इन्हेंस करने के लिए गोल्ड सिल्वर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये वाइट है, वाइट के साथ मैंने डिफरेंट कलर्स चूज़ किए थे, तो ये देखें, ये पेपर वाइट के साथ मैंने ये वाला पेपर यूज़ किया है, इसको कहते हैं पैटर्न पेपर, पेपर पैक्स कहते हैं इसको। और ये आप घर भी बना सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटिंग मशीन है, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रिंटर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लिए, वही मैंने आपको बोला प्रोफेशनलिज्म और इस चीज़ को आपने मैटर करना है, तो आप लाहौर का एक पेज है आर्ट क्राफ्ट लाहौर फेसबुक पे, वहाँ से आप इनो ग्रीटिंग्स के ले सकते हैं पेपर पैक्स, या इनो ग्रीटिंग्स के बहुत सी जगहों पे आपको लोकल भी शायद मिलते हों, लेकिन मैं ऑनलाइन ज़्यादा लेती हूँ। ये थोड़ा सा हल्का है लेकिन काम आ जाता है।
240 का हुआ करता था, अब शायद 500 कुछ रुपए का इसका पेपर पैक है। 8x8 लें, 6x6 लें, जैसे भी लें आप कट करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये वाला भी कार्ड स्टॉक लिया है तो इसको इस तरह यूज़ करें कि ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको बेंड करने की ज़रूरत ना आए, क्योंकि जहाँ भी आप इसको बेंड करेंगे वहाँ पे इसकी असलियत ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। तो आपने अगर ये वाला भी यूज़ करना है तो ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ पे इसको बेंड करना ना पड़े। इसी तरह बहुत सारे कार्ड्स पैटर्न पेपर जो हैं वो आपको डिफरेंट जगहों से मिल जाएंगे। मैं आपको इनोग्रीटिंग का बता रही थी, इनोग्रीटिंग ऐसे होती है, ऐसा इस तरह के पैक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। और मेरे पास इस वक्त ये एक शाइनी सा आपको दिख रहा होगा, ऐसे ये मैंने लोकल किसी बंदी से प्रिंट करवाए थे, ठीक है, ये उसने करके दिए थे। ये भी अच्छा है अगर आपके पास कस्टमर का बजट कम है, ऑब्वियसली ज़्यादातर कम ही होता है, वो क्वालिटी पे इतना बेस नहीं करते, उसको खुद भी नहीं पता कि आपने ब्रांडेड पेपर लगाया या आपने लोकल कुछ उठा के लगा दिया है, तो वो इस चीज़ को मैटर नहीं करता, ना ही इसको बॉदर करता है कि कुछ भी आप लगा दें। तो आप कोशिश करें कि कस्टमर को जब इतना नहीं पता और वो आपको पैसे भी कम दे रहा है तो आप इस तरह की चीज़ यूज़ करें जो आपके बजट में भी आए और अच्छी भी लगे, ठीक है। ये भी नहीं कि सिर से उतारने वाली बात हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसकी हार्ड बाइंडिंग है, हिंज बाइंडिंग जो हमने बनाई थी, उसके बाद अच्छा उसके बाद ये जो हार्ड बाइंडिंग है ये कैसे होगी, ये जो इसके कवर है इसमें हमारे पास तरीका आता है एक जो अमेरिकन या यूएस के क्राफ्टर्स यूज़ करते हैं या बड़े बड़े प्रोफेशनल क्राफ्टर यूज़ करते हैं, वो चिप बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चिप बोर्ड आपको इजीली पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगी इजीली, लेकिन इसका अल्टरनेटिव जो है पाकिस्तानियों ने ये निकाला है कि हम गत्ता जो होता है कार्ड स्टॉक कार्टन वाला, हम वो यूज़ करते हैं। ये एक तो थोड़ा सा बारीक होता है, ठीक है, दूसरा ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ये आपको 12x12, ये आज से 4-5 साल पहले मैंने ये पीस लिया था और ये उस वक्त 100 रुपये का था ये वाला पीस, ठीक है, 12x12। आज ना जाने कितना हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद मैंने नहीं ख़रीदा और इसको यूज़ करने का मेरा हौसला भी नहीं पड़ा। तो मैं उसकी जगह क्या करती हूँ, कार्टन वाला कार्ड जो है वो लगा देती हूँ उस पर, और वो अच्छा बिल्कुल सही टिकाऊ और सस्ता है। आपके घर में कार्टन पड़े होते हैं, नहीं पड़े हुए, आप बाज़ार जाएँ, दुकान पर जाएँ और किराने की दुकान पर, वहाँ पर आपको कार्टन मिल जाएंगे, आप उस कार्टन को यूज़ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कैसे यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको चिप बोर्ड का बता रही हूँ। अक्सर लोग चिप बोर्ड यूज़ करते हैं और ये थोड़ा सा फर्म होता है, थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट ज़्यादा होता है, लेकिन हम उसको भी सीधा कर लेते हैं, नीटनेस कर लेते हैं, बजट हमारे पास कम होता है, तो इसलिए हम चिप बोर्ड की जगह कार्ड स्टॉक या कार्टन का कार्ड स्टॉक यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के लिए हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।